आज की दुनिया क्या है, जो कोलाबोरेटिव व्यवस्था है, घर आईआईटी मिलके जाब, कि जाब में आईआईटी प्रोफेसर भी कंपटीशन होता है, जो बच्चे सब दुखद घटना आते हैं, मैं थोड़ा दिमाग लगा इन्हें क्या हो रहा है। हर एक बार आईआईटी प्रोफेसर को, इस बार मेरे को मौका मिले, इनका रोटेशन में होता है, उसमें इनकी कंपटीशन होता है कि पिछले बार जितना डिफिकल्ट था अगले बार उसको और डिफिकल्ट कर दे, जैसे ऐसा है ना प्रोफेसर गणेश, ऐसे होता है। लेकिन थोड़ा प्रोफेसर गणेश की टीम थोड़ा अलग है, उन्होंने हमारे लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया है साथी करके, जो बच्चों को इंटरेक्टिव एडुटेक भी करने वाली, इसकी रोबोट एडमिशन प्रक्रिया बन जाए, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग आए, इंग्लिश शुड नॉट बी ए बैरियर फॉर दिस स्किल सेंटर, नॉट एट ऑल। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इंग्लिश, दोज विल डील विद दोसो When you learn which language you will be comfortable, English or French? We will say English. French. If my UP Amethi boy or Mirzapur boy will learn French and talk to your engineers from France, will not it be a comfortable thing? उनकी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए यहां लैंग्वेज को भी पढ़ाना, ग्लोबल मार्केट में पढ़ाना, भारत की भाषाओं को पढ़ाना, ये एक सुनहरी सपना में देख रहा हूं, उसको प्रत्यक्ष हम कैंपस में जाके जल्दी ही सेलिब्रेट करें, एक दो महीने के अंदर सेलिब्रेट करें, ये अतुल जी और नटराजन जी इसकी दायित्व आते। मैं एक बात कहकर खत्म करूंगा, मैं बहुत सारे सेक्टर स्किल काउंसिल के लोगों को देख रहा हूँ, दो पांच मेरे अच्छे मित्र तो हैं ही, फिर आपको हम बुलाए क्यों, थोड़ी ना मैं प्रवचक हूं, मेरे बाप को सुनने के लिए आप यहाँ बुलाए। आपको हम दायित्व देते हैं, हमारी 25 NHPI है, 35 NHPI है, अरे ये भारत सरकार से चलने वाले ITI, इसमें बच्चे भी पढ़ेंगे ट्रेनर्स भी पढ़ेंगे, दोनों प्रकार की ये इंस्टीट्यूट। आप भारत सरकार की शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने से मेरे को आपत्ति भी नहीं, लेकिन के कानपुर स्टैंडर्ड के, हमारे देश में 1100 कानपुर मान IIT यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन, और कम से कम और 2-2500 अच्छे कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस, इसलिए कुल मिला के हमारे देश में 5000 क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है। मैं तो आपको 35 लोग, एक तो हो गया टाई अप कानपुर IIT के साथ, बाकी 34 में इस प्रकार की है जो अपने आप में सर्टिफिकेट और डिग्री देने लायक, जिनकी कैपेसिटी यूनिवर्सिटी हो सकता है या IIT कहते हैं इंस्टीट्यूशन है, या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो सकता है, या प्राइवेट स्टेट एक्ट की यूनिवर्सिटी हो सकता है जो अपने डिग्री दे सकता है। ऐसे एक इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करिए, और सेक्टर स्किल काउंसिल वाले हैं आप, जैसे 200 और हाल आए हैं और आने वाले दिनों में और आएंगे, नटराजन जी उसे आपने मेरे को आश्वस्त किया है, और प्रधानमंत्री चाहते हैं जो हमारे वहां डिफेंस सप्लाई करेगा वे आपको भरपाई दो, ऑफसेट ऑफसेट में ये सब करेंगे, तो है ना पॉलिसी आपका हो जी, आत्मनिर्भरता उसी में जीतता। तो आपको हम भी भारत सरकार की ओर से मदद करेंगे, हम टेक्सटाइल के पास जाएंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पकड़ेंगे, आप थोड़ा उसमें से कैपेक्स लगाओ, एक्सपर्टाइज कोर्स कैरिकुलम बनाने में लाओ, आप NID को पकड़िए, NFC को पकड़िए, टूरिज्म का कहीं आएगा, कहीं सॉफ्ट स्किल का और भी कुछ प्रकार की लैंग्वेज वाला आएगा, लेकिन एक NHPI एक IAS स्टैंडर्ड की ओर जाते हुए, IAS तो अभी 3 है, 2 हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया है, एक सरकार के पास, सारे NHPI हमारे फर्स्ट स्टेप में, और इस बार में बजट में कहा गया है देयर विल बी 30 या 100, हाउ मेनी अतुल जी, हाउ मेनी इंटरनेशनल स्किल सेंटर, 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर बनाया जाए। मैं दुनिया में घूमता हूं और दुनिया में जो भारत के साथ समझौता होता है
ग्लोबल मैन पावर पूल में भारत की अपार संभावना। इसीलिए मित्रों हमें अपना बेंचमार्क को बड़ा करना है। ये दूसरा अपेक्षा मेरा मिनिस्ट्री के सामने है, मिनिस्ट्री, डीजीपी, एनएसडीसी, एनएससीडीसी, सबको इन्वॉल्व करते हो, सेक्टर स्टील काउंसिल की लीड ले। नहीं तो धीरे धीरे जो आपकी जो स्थायी आमदनी का रूप क्या है, असेसर, असेसर को भी हमको सोचना पड़ेगा। आप आपकी सेक्टर को बचाने के लिए, आपकी जो कोटे बनाए हो आप, उसको बचाने के लिए आप इंडस्ट्री को लेके आइए, आप फोर्स बनाइए, आप स्टैंडर्ड फिक्स करिए और आप उसकी एंटरप्रेन्योर बनाइए। मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढता हूँ, आप उस एनएसडीआई की कल्चर ऐसे बने जैसे अभी कहा गया शायद हमारे सीईओ हाल की कह रहे थे कि इसमें से एंटरप्रेन्योर भी बनाए, एंटरप्रेन्योर बनाइए, आत्मनिर्भर भारत, हमारी लोकल वोकल फॉर लोकल और मेड इन इंडिया में भारत की वर्कफोर्स की बहुत बड़ा रोल बने। इसी शुभेच्छा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।